बाबा क्या इस घर में समझदारी का ठेका सिर्फ हमने उठा रखा है? काश ये बातें अपने जुबानियों से भी की होती तो आज ये इतना बड़ा मसला ना होता। क्या हुआ? तुम्हारी जज्बाती बहन को समझा रही हूँ, थाने जा रही है फारा के खिलाफ FIR कटवाने। उसने अपना वादा पूरा किया, वो है तुम्हारे साथ और हमेशा रहेगा। और अब तुम अकेली थोड़ी हो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास एक छोटा सा प्यारा सा बेबी होगा। जब गाजियान ही नहीं रहा तो दूसरा गाजियान के आसमान से उतरेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की साजिश है क्योंकि इस घर में आना चाहती है। वो मेरी बहू है, मेरे घर की इज्जत है, उसे यहाँ मेरे घर में होना चाहिए। अब वारिस अंकल ने कुछ कहा है आपसे? डैड मुझे समझ में नहीं आती है कि आप वहां जाते क्यों हैं? आप जब भी वहां से वापस आते हैं ना हमेशा परेशान रहते हैं। उसने मुझे कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही कहा। जुबारिया को घर ले जाना चाह रहा है हमेशा के लिए। लेकिन इस तरह तो जुबारिया की जिंदगी, उसका करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। छोटी सी है अभी, वो सारी जिंदगी गाजियान के नाम पे गुजारती, और वो भी उस माहौल में जहां सकी आंटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी। हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। जुबारिया गाजियान की बेवा है और वारिस गाजियान का वारिस चाहता है। वो जुबारिया से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। क्या किसी ने जुबारिया से पूछा कि वो क्या चाहती है, वो क्या सोचती है? हमारे माशरे में बहुत सारी चीजें लड़कियों से नहीं पूछी जाती हैं। मुझे भी नहीं लगता जुबारिया से किसी ने कुछ पूछने की कोशिश की है। उसके घर वालों की भी वही सोच है जो ज़किया आंटी की है। सोच को बदला भी जा सकता है। तो जानते ही हैं, लड़कियों का अपने राइट्स के लिए फाइट करना कोई आसान काम नहीं है। काश मैं जुबारिया के लिए कुछ कर सकती, उसकी मदद कर सकती। प्लीज खुश हो। थैंक यू। मामू जान अब क्या होगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये सब कुछ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? मामा की तो आदत है एक्सट्रीम पर जाकर सोचने की। अब आप बताएं क्या करना है? अगर गाजियान होता तो हम कल ही जुबारिया को जाकर ले आते इस घर में, लेकिन अब बेटा हक तो उसे देना पड़ेगा। देखो ना, पहले वो गाजियान की बीवी थी, अब बेवा है, तो हक तो उसे देना पड़ेगा ना उसका हर चीज पे। मामूजान हम कल ही जाकर जुबारिया को इस घर में ले आएंगे हमेशा के लिए, लेकिन मामा का बस बेटा तुम मेरे साथ देना,
फिर मैं तुम्हारी माँ से भी नहीं उठ लूंगा। मैं तो आपका साथ दूंगी ही, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। राजयान को पता था वो जाने वाला है, इसीलिए उसे हर बात की जल्दी थी। अब देखो ना, मुझे जाते जाते जीने का एक नया बहाना दिया गया है। वाह, क्या साजिश हो रही है। मां का लिहाज नहीं है, बहन का मान रखने के लिए कोई तैयार नहीं। बड़े अफसोस की बात है। जीने का बहाना है या रुसवाई और जिल्लत का तोहफा है मेरे भाई के लिए? देखिया, तुम उस लड़की की मुखालफत में इस हद तक भी जा सकती हो? क्या तुम्हें गाजियान पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? उसूल की बात कर रही हूँ भाईजान। गाजियान पर भरोसा अपनी जगह, लेकिन उस लड़की पर भरोसा मैं हरगिज नहीं कर सकती। कौन सी ऐसी लड़की होगी जो रुखसती से पहले मां बनना चाहेगी? खुदा की कसम, अगर मेरी निमरा से ऐसी कोई गलती सरजद हो जाए तो मैं अपने हाथों से जहर देकर इसको मार दूं। मामा, आपको क्या हो गया? मुझे आपकी सोच पे अफसोस हो रहा है। तुम तो खामोश ही रहो, पता नहीं उस लड़की ने क्या घोल के पिला दिया है तुम्हें। और आप तो सारी जिंदगी मुझे अपने असूलों के लेक्चर देते रहे, अब अपनी बारी आई है तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है? तुम उस वक्त भी गलत थी और आज भी गलत हो। अपनी जिद की खातिर अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसने महज एक भूल की है, कोई गुनाह नहीं किया। भूल हुई है, क्या बताएंगे सबको, भूल हो गई है। ज़किया, खुदा के लिए मेरे और अपने रिश्ते का लिहाज करो। अपनी नफरत और नेगेटिविटी की सजा इस घर को मत दो। वैसे अगर हम पीडियाट्रिक विंग में एक प्ले रूम खोल लें, साथ ही बच्चों को फिजिकली और मेंटली बहुत हेल्प होगी, जल्दी बेहतर हो जाएंगे। वैसे स्टडीज से क्या ख्याल है? हेलो, पेजिंग डॉक्टर फारा, किधर है आप? कब से सवाल पूछ रहा हूँ, बैठे बैठे गायब हो गई। अभी तुम ओके? क्या हमारे पास हॉस्पिटल के अलावा कोई बात नहीं बची करने के लिए? क्या हमारी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा बात करने के लिए? हमारी बात ही तो है, पीडियाट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नहीं है हमारी बात, हम दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बच्चों के बारे में बात करते हैं। क्या हम अपने बच्चों के बारे में कभी बात नहीं करेंगे? अल्तमश, मुझे बच्चा चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ, मगर मैं जानती हूँ आपके इश्यूज की वजह से, आपके बचपन की वजह से मैं कोई स्टेप नहीं ले सकती। ठीक है, फिर मेरे इश्यूज आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो मैं वापस चला जाता हूँ। Will that do? Is that okay for you? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अल्तमश, मुझे एक बात बताएं। आज मुझे कुछ हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, तो आप हमारे बच्चे को यतीम खाने में छोड़ देंगे? फारा प्लीज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कैसी बातें कर रहे हो आज तुम? क्या हो गया है तुम्हें? मेडिकल प्रोफेशनल्स डोंट टॉक लाइक दिस। खोलने दे मुझे आज,
मर जाऊंगी अगर मैं खामोश रही तो। I'm a gynecologist, Dr. Mash. I know that. मैं अब तक 700 deliveries manage कर चुकी। मैं ये भी जानता हूँ। What's your point? सब successfully. लेकिन मुझे यही नहीं पता कि ये एहसास क्या है। औरत बार बार माँ क्यों बनना चाहती है? मुझे बच्चा चाहिए अल्तमश, मैं माँ बनना चाहती हूँ। तुम जानती हो कि अगर अरे बच्चा एक सच्ची माँ के बगैर बड़ा हो ना, तो जिंदगी से डर जाता है, सहम जाता है, खा जाता है, खा जाता है। जो आपके साथ हुआ वो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों के साथ भी हो। आपके इस डिसीजन की वजह से हमारा रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। आज हम काम में मसरूफ हैं और जिंदगी गुजरती जा रही, मशीन बनते जा रहे हैं हम। मशीन? मशीन? रियली? ये कैसे कह सकती हूँ? ये साल जो हमने साथ गुजारे, पार्टनर्स हैं, हम दोस्त हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सर मीन नथिंग, कोई मायने नहीं रखता क्या? हम दो काफी नहीं है? नहीं, हम काफी नहीं हैं। मुझे पता है कि मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकती हूँ। अल्तमश, मैं एक नई उम्मीद के साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। मैंने आपसे गाजियान की जिंदगी मांगी थी ना, आज आपसे अपनी जिंदगी मांगी थी। क्या आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते? अभी ये बात नहीं करी। तुम स्ट्रेस लेने की पोजीशन में नहीं हो ना, सुबह बात करते हैं विद अ फ्रेश माइंड। ओके, जस्ट ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मैं फैसला कर चुकी हूँ अल्तमश। ओके। ओके। अजनबी है कभी जा
जागती सी रातें बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें कुछ नहीं मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुमसे आखिर इतनी बड़ी हिमाकत हो कैसे गई। अब कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो मसले मजीद बढ़ेंगे। चलो अब नाश्ता कर लो, फिर मैंने भी मम्मी की तरफ जाना है और आज अंकल जी का ख्याल तुमने करना है। आप जाएं, मैं बाद में खा लूंगी। मेरी बात तुम्हें अच्छी लगे या बुरी लेकिन होती सच्ची है। चलो इस उम्र में नादानी हो जाती है, बंदा बहक जाता है, फिर क्या कुछ हो जाए क्या पता, कुछ समझ भी नहीं आता। लेकिन जब होश आया था तब तो अकल इस्तेमाल करनी थी ना। आप ठीक कहती हैं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। देखो जुबारिया, अब भी वक्त है, अकल से काम लो। जब ये बात घर से बाहर सबको पता चलेगी तो तुम्हारे बाप भाई की तो जो रुसवाई होगी सो होगी, लेकिन ऐसे बच्चों को कोई कबूल नहीं करता। बिला वजह नए नए तमाशे बनेंगे, बेहतर है ये किस्सा ही खत्म कर दो। तुम तो खुद डॉक्टर बनने जा रही हो, तुम्हें तो ये सब चीजें पता होंगी। भाभी अगर आप तमाशा नहीं करेंगी तो कोई तमाशा नहीं बनेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मत गिराए मेरी नजरों में। अनस, मैं आंटी जी से हर बात पर बहस कर सकती हूँ लेकिन इस बात पर नहीं, और वो वैसे भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हम कोई दुनिया से निराले हैं क्या? तुम ही मुझे बताओ जरा, क्या करें? इस बात पर जुबारिया को ताने मारे या उसकी बेइज्जती करें या अपना जीना हराम कर ले, बताओ ठीक होगा ये? नहीं अनस, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जुबारिया को समझाया जाए। सीधी सी बात है, अभी इतना वक्त नहीं गुजरा है, इस बच्चे की बात को लेकर बहुत सारे इशू उठेंगे। अच्छा है ना इशू को खत्म कर दिया जाए, घर की बात घर में ही खत्म हो जाएगी। और वैसे भी आंटी जी तो मानने को तैयार ही नहीं है कि गाजियान ऐसा कुछ कर भी सकता है। मामा के मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जो हो गया सो हो गया, बहस करने का क्या फायदा साहब, बस करो। बहस तो होगी अनस, कोई छोटी बात नहीं है। जुबारिया का सिर्फ निकाह हुआ था गाजियान से, शादी नहीं हुई थी। वो एक ऐसे बच्चे की मां बनने जा रही है जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है। अब समझो अनस इस बात को, बहुत सारे सवाल उठेंगे और जवाब किसी के पास नहीं। तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा सबा, तुम टेंशन ना लो। टेंशन ना लूं? क्यों टेंशन ना लूं? जुबारिया का सिर्फ निकाह हुआ था गाजियान से, शादी नहीं हुई थी। वो एक ऐसे बच्चे की मां बनने जा रही है जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है। अब समझो अनस इस बात को।
बाबा मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोबारे को अभी सहारे की जरूरत है, इसका दुख अब सबसे ज्यादा है। हमें भी सुबारिया से ही उम्मीद नहीं थी। बाबा इतने दिन हो गए और आपने मुझसे कोई बात ही नहीं की। ना मेरे नाम से मुझे पुकारे, ना गुस्सा किया मुझे। ये सब कितनी देर चलेगा आखिर? गलत नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं जानती हूं मैंने अपनी हद पार जरूर किया, लेकिन क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? एक आखिरी दफा पापा जान, मुझे एक आखिरी बार माफ कर दो। मैं अब कुछ गलत नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, आपको हर चीज बताऊंगी। मुझे एक दफा माफ कर दे, मुझसे एक दफा बात कर ले, बस एक बार मुझे माफी दे दे, और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे रहा नहीं जा रहा बाबा, आप ही तो थे सिर्फ मेरे साथ। चैन नहीं है बाबा जान को, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके गार्डन से कोई फूल तोड़ा। मैं कोई नहीं, उनका अपना गाजियान है, और ये बाबा जान का नाम लेके मुझे डराना छोड़ दे, काम नहीं करेगा। आपका ये जादू उन पे बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। अभी तो उनकी बेटी पे ही काम कर जाए, वही काफी है। वैसे बाबा जान है किधर? मैं उनको पिक करने आया हूं। वो अकेले कहीं नहीं जाते। अकेले? मैं हूं ना उनके साथ, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं एक लंबे सफर पे जाएंगे, वो भी पहाड़ों। ये सब वादे छोड़े हैं आप, वो कहीं नहीं जा सकते हैं। आप ही चलें, मैं बाबा जान पे चेक करके आता हूं। कोई कहीं नहीं जा रहा गाजियान, और बाबा जान तो वैसे ही नहीं जा सकते अकेले। इस तरह रोकेंगे तो सारी जिंदगी इधर ही खड़ा रहूंगा। चल जो भी है, बाबा जान को बता दें कि मैं उनको पिक करने आया। बाबा 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 Oh!
जुबारिया बेटा, मिट्टी के हवाले कर आए हम उसे। हम सब का आखिरी घर वही है, जल्द या बदेर सबने जाना है। बस अपने अपने हिस्से का काम खत्म करके। तुम मुझसे नाराज थे, कोई बात नहीं की, चलेगा। तुम्हारे हाथों में उसने जान दे दी, फिर नाराजगी कैसी? अपने सारे गिले शिकवे खत्म करके गया है वो दुनिया से। बाबा जान ने मुझे माफ तो कर दिया होगा ना? माफी कैसे बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। जो हुआ अल्लाह को यही मंजूर था। हम उसकी हिकमत को नहीं समझ सकते, मगर वो अपने बंदों को मायूस नहीं करता, कभी नहीं। बाहर बहुत ठंड हो रही है बेटा, जाओ अंदर जाओ, जा। जुबारिया, एक बात तो सुनो जरा। मेरा ख्याल है तुम्हें इन सब लोगों के साथ वापस चले जाना चाहिए। जमशेद तो उस वक्त तुमसे बात भी नहीं करना चाहते। जो कुछ बाबा जान के साथ हुआ सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। सारा खानदान उनकी कितनी इज्जत करते थे, लेकिन ये जो सलूक तुमने उनके साथ किया है ना, कोई भी गैरतमंद आदमी होता तो मर ही जाता। एक के बाद एक मुश्किल, पता नहीं इस घर पे क्या परेशानियां आ पड़ी हैं, समझ नहीं आता। You okay? देखो प्लीज प्लीज इस तरह मत रोइए, संभालिए अपने आप को। मैं तो आपको बहुत बहादुर समझता था। डोंट बी लाइक दिस प्लीज, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। दोबारे को अपने सहारे की जरूरत है। इसका दुख अब सबसे ज्यादा है। हमें भी जुबारिया से उम्मीद नहीं थी, हमारा दुख तो अभी कम भी नहीं हुआ है भाई साहब। और जुबारिया ने तो मासूम बनकर हम सबको धोखा दिया है, और वो भी ऐसा धोखा कि हम सारी जिंदगी लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे। किस धोखे की बात कर रही हैं? जुबारिया और गाजियान करने का शायद आपके सामने ही हुआ था, फिर आपका मसला क्या है? रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ निकाह हुआ था। और हमारे यहाँ अगर कोई लड़की शादी से पहले माँ बन जाए तो उसके घर वालों पे तो कयामत टूट पड़ती है। जुबारिया को शादी का इंतजार करना चाहिए था। और बहन, दुनियादारी तो सीखनी पड़ती है इज्जत से जीने के लिए। आप लोग निकाह को शादी नहीं समझते क्या?
एक साथ जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ निकाह ही जरूरी होता है। That's it. ये शादीवादी और रुखसती सिर्फ रिचुअल्स होते हैं, रस्म और रिवाज होते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग उसको इश्यू बना के बैठे हैं, शर्माने चाहिए आपको। आप लोग प्लीज मैं डिस्कस करना बंद कर दें, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, चले जाएं सब यहां से। जुबारिया, बच्चे अगर अब्बास जिंदा होता तो मैं उसके इरादे और मर्जी के मुताबिक उससे तुम्हारी रुखसती मांगता, लेकिन अब हालात ऐसे नहीं है। तुम्हारा इस घर में रहना बनता नहीं है। क्या मतलब है? अब जुबारिया वहां जाके क्या करेगी? वहां से अब उसका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं उसकी तफसील तुम्हारे सामने बताना मुनासिब नहीं समझता। तो ठीक है, ले जाए आप इसे, मगर सब लोगों के मुंह कैसे बंद करेंगे? इतनी जल्दी निकाह हो गया, शादी की नौबत भी नहीं आई और रुखसती भी हो गई। मेरे अल्लाह, लोग हमारी जिंदगी के मालिक नहीं होते, हम अपने अच्छे बुरे के जिम्मेदार खुद। सुबारिया और गाजियान का निकाह उतना ही मोतबर है जितना शादी के बाद रिश्ता हो, इसलिए प्लीज अब आप ये बहस बंद कर दें। चलो निम्रा बेटे, अगर अपने बाप के रिश्तेदारों से फुर्सत मिल जाए तो घर आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम भी बस जहां जाती हो वहां जाके बैठ ही जाती हो। चलो घर आओ बेटा। मैं हेल्प कर दूं पैकिंग में? नहीं, ऑलमोस्ट ओके। तुम आज ही चल रही हो मेरे साथ, हमारे संकल्प भी तुम्हारा इंतजार कर। मैं अब वहां कैसे जा सकती हूँ? मेरा अब वहां कोई भी नहीं, और वैसे भी मैं यहाँ पे ठीक हूँ। मेरे साथ मेरे बाबा जान की याद है। सब कुछ है वहां तुम्हारा, गाजियान का कमरा है, उसकी चीजें हैं, उसकी यादें हैं, उसकी बातें हैं, उसके पापा जान हैं। तो मैं भी होंगी ना तुम्हारे साथ वहां? आप सब तो हैं, मगर वो नहीं जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। फारुक, वो मोहब्बत का आगाज करना चाहते थे और मैं महसूस करती थी,
आज उनकी मोहब्बत मेरे अंदर बोलने लगी, मगर सुनने वाला चला ही क्या। गाजियान तुम्हारे साथ है, उसकी मोहब्बत की जीती जागती निशान तुम्हारे अंदर। तुम्हें न सिर्फ अपना ख्याल रखना होगा बल्कि उसका भी ख्याल रखना होगा। फिर हम सबका भी थोड़ा बहुत हक तो है ना तुम्हें। मामी आपको इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए था, आप वापस क्यों चली गई? जुबी बच्चे, मैं और अनस यहाँ अस्पताल में भाईजान के साथ अब्बास भाई के जनाजे में भी बेचारे मुश्किल से शिरकत की। उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा। मेरे साथ फारा है, आप मेरी फिक्र मत करें, आप उस मामी जान का ख्याल रखिए। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, तुम अपना ख्याल रखो, अल्लाह खैर करे। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसी है वो? क्या? परेशान मत हो, हमारी सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे पता नहीं अल्लाह ने उसकी किस्मत में आगे क्या लिखा। शायद लाइफलाइन हॉस्पिटल में हाउस जॉब। That's not a bad idea, actually. चलो, उसका ले आओ, दे दो, चलना चाहिए। बाबा आराम में हॉस्टल में कर लेती हूँ, और असल सुकून मुझे सिर्फ आपके कामों में मिलता है। लाइए दीजिए, टाइम देखा आपने, चले सो जाए। कभी कभी बिल्कुल चुड़ैल हो जाती है अपनी माँ की तरह। बस करें पापा, सो जाए। इतना खुश हूँ कि आप सोच नहीं सकते, मेरी जिंदगी कंप्लीट हो रही है। ये सब कुछ आपने हमारे साथ किया, अल्तमश का बदला लेने के लिए किया है ना? तुम जैसे लोग दरमियान में आ जाएं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। आप आए थे मेरे और अब्बा के दरमियान। मुझे बाप पे तरस आता है। सरताफा शर्मिंदगी और बदनामी हो तुम। आप भी दिल की बातें दिल में छुपा के रखोगे? इसी दिन के लिए तो छुपा के रखी थी सारी बातें। कभी कभी वक्त बहुत कम पड़ जाता है, लेकिन दिल की बातें खत्म ही नहीं होती।